नमस्कार, मैं काशीनाथ नारायण पंडित आपके सामने चुनाव के विषय में एक नया संदेश लाया हूँ, नया भविष्य आपके सामने लाया हूँ। भारत के आज़ादी के कुंडी के अंदर पाकिस्तान का मालिक जो चंद्र है वो प्रजा का कारक है, उसके साथ भाग्य चंद्र है। तो अब जनता जागी है, आज तक हमने मतदान दिया है, अलग अलग पक्षों से दिया है, अलग अलग विचारधारा को जन्म देने के लिए चुनाव होता है। किसी के पास एक नया विचार आता है, उसका विचार हम जनता के पास लाए, इसलिए चुनाव होता है। चुनाव सत्ता के लिए नहीं, पर एक नई क्रांति आ रहे, नया विचार आ रहे और प्रजा के अंदर क्रांति आ रहे और इसी तरह से हमारा देश उन्नति पर जा रहे, और इस प्रकार से जनतंत्र का ये नियम है। तो अब ये होता है कि आप चुनाव में देखते हो कि चुनाव क्यों होता है कि उसे चुनाव के द्वारा सत्ता दी जाती है और चुनाव के सत्ता देने के बाद अब उसके पास विचारधारा होती है। तो प्रजा अपने अपने अलग अलग पक्षों को मतदान करना ये जनतंत्र का नियम है। क्यों कि किसी की विचारधारा आज के वर्तमान काल से ज़्यादा हो तो उसको मौका मिलने के लिए दिया जाता है। मगर अब ये जनता जागी है क्योंकि चंद्रमा जो है भाग्य के साथ है। अब यहाँ हम देखते हैं कि सभी पक्ष भारत के कोई भी पक्ष राजकीय पक्ष पलटा कर रहे, इधर से उधर, उधर से इधर, इस प्रकार से पक्ष पलटा करना, इसमें फिर मतदान देने का क्या जरूर है। जो प्रजा जो है, जनतंत्र जो है, वो अपने विचारधारा के पक्षों को देती है। तो पक्ष पलटा करने वाले अपने मनमानी करके प्रजा को एक बाजू रखकर और अपनी सत्ता के लिए या स्वार्थ के लिए दूसरे पक्ष में जाते हैं। तो अब जनता जागी है क्योंकि जागी है चंद्र, भारत का जो चंद्र भाग्य के साथ है, तो वो अब पक्ष पलटा करने वाले को अब जनता रोकेगी, विरोध करेगी, प्रचंड विरोध करेगी और कहेगी एक बार हम मतदान देते हो तो तुम इधर से उधर ये पक्ष वाले करते हो, तो जनतंत्र कहाँ रहा? मतदान दिया, इतना पैसा खर्च है, आयोजन किया, प्रजा का इतना पैसा उसमें व्यय हो गया और ये पक्ष पलटा करने के बाद ये जनतंत्र नहीं कहा जाता है। तो पक्ष पलटा करने वाले को जनता विरोध करेगी, उनसे राजीनामा मांग लेगी, ये होने वाला है, ये सिद्ध हो जाएगा। न सर्वोत्तर चाहिए न जनतंत्र है, ऐसी प्रजा विचार करेगी। न हम सर्वोत्तर चाहिए बना रहे न जनतंत्र बना रहे, अगर पक्ष पलटा करने का उनको क्या अधिकार है? तो जनता के कि पक्ष पलटा नहीं होगा, ऐसे चुनाव के अंदर एक नया रास्ता आएगा। और चूंटनी पंच को भी हम नम्र विनंती करते हैं कि चुनाव के लिए, मतदान के लिए अलग 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 निष्णातों को देखे, मतदान की जो चुट्टी है वो मतदान की चुट्टी वोट के द्वारा हो जाए, चुनाव के द्वारा हो जाए, यानी सबको योग्य आदमी को जमा कर से उससे अंदर से चिट्ठी निकाले, ऐसे कोई प्रबंध करे या चुट्टी पंच इनको रोक दे रहे और उनको कह देना पक्ष पलटा नहीं करना है, हमें जनतंत्र चलाना है, या राजीनामा चुट्टी पंच उनसे मांग रहे, यही अब आएगा, चुट्टी की क्रांति आएगी, ये भारत की प्रजा जागी है और जनतंत्र को लिए बचाने के लिए ही उनके राजीनामा मांग रहे हैं। सर्वोत्तराधिकारी के लिए नहीं, सत्ता के लिए पलटा करना ये अपराध हो जाएगा, ऐसा चुट्टी पंच उनको समझा दे, ये भी उसके साथ रखना जरूरी है। ये हमारी भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी जनतंत्र की है।